स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्मी भर्ती में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि यदि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा रहा तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर करना कितना आसान हो जाता है। इसके साथ ही आपका सामान्य ज्ञान आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रदान करता है और आपके कॉमन सेंस को भी निखारता है। यदि जनरल नॉलेज आपका अच्छा रहता है तो आपका कैरियर में, रोजमर्रा में, ज़िंदगी में बहुत काम आता है। चाहे स्कूल में, किताबों में, कॉलेज में, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी में, एग्जाम कहीं भी हो, इंटरव्यू प्रश्न हमारे रोजमर्रा के काम की बाहर के हर जगह सामान्य ज्ञान का काम आता है। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो आपको आने चाहिए। अगर आप नौकरी देख रहे हैं और आप ऐसे मेहनत कर रहे हैं, SGDU वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे भर्ती में आपके जानकारी आनी चाहिए। तो मैं एक पास कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसके आंसर में आपको देने वाला हूँ और उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका है, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा होता है, ठीक है। तो उसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, साइट्रिकम, ठीक है, साइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा फ्रेंड्स। मैं कुछ चीज़ें अगर बोलूँ, कुछ गलती हो तो उसको माफ़ करिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, एकदम क्वेश्चन आंसर आपके लाइफ को बदल सकते हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा एकदम क्लियर बताऊँगा, सबके सामने रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो आपको उत्तर रहेगा साइट्रिक एसिड, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री के अहोदे को कौन से माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीवी का मकबरा, एतमतउल्ला आदि चीज़ों के स्मारक हैं, तो मृतक व्यक्ति के, ठीक है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। इस चीज़ आप एकदम फ्रेंड्स एकदम बारीकी से पढ़िएगा, जो आपके बहुत ही जरूरी है, एक काम की चीज़ है, जिस पर ध्यान रखिएगा। उत्तर होगा बिंदुसार, ठीक है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? उत्तर होगा 1950। तो ऐसे फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास रखे हुए हैं और मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को पढ़ें, उसके ऊपर काम करें, मैं ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा ये सब चीज़ें समझा सकूँ और बता सकूँ, ठीक है। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 रहेगा। रॉयलेट एक्ट को किस वर्ष में लागू किया गया था? उत्तर होगा 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो आपको उत्तर होगा अपने घोड़े को। बॉक्सर इंडा सेल्फिड किस नाम से जाना जाता था? तो रियल डील इसका उत्तर होगा, ठीक है। सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें जीके के क्वेश्चन आपके पास है, जो आपको रोजमर्रा की ज़िंदगी बदल सकती है और आप पढ़ाई करते हो तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत मोटिवेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जो भी पढ़ाई करते हैं वो अच्छे से अच्छा नंबर लें और अच्छे से अच्छा नौकरी अपना मेहनत के ऊपर पा सकें, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और आंसर जिसके पास हम ध्यान से देखेंगे। मगध के उत्थान के लिए निम्न कौन सा शासक उत्तरदायी? तो उसमें होगा बिंबिसार, ठीक है। भारत में प्रोफेशनल ट्वेंटी क्रिकेट लीग को किसे कहते हैं? तो आपको होगा IPL, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में है रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, सचिन तेंदुलकर को हाल में किस किताब से नवाजा गया था? पद्म भूषण से, ठीक है। इसरो की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। संसद में कौन से दो गेस्ट हाउस है, टू हाउस हैं, ठीक है। तो आपको होगा लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ट्रिपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। संसद में कौन से दो हाउसेस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला होगा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बड़े मुश्किल में डाल सकते हैं। क्या होता है, एक छोटी सी फुंसी ही बड़े बड़े पहलवान को मार सकती है, इस चीज़ आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो छोटे क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, भारत में ब्लू सिटी किस शहर को जाना जाता है? तो आपका नाम उत्तर रहेगा जोधपुर सिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, अपना 20वां क्वेश्चन रहेगा, भारत में कौन सी नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। 20 क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बताया फ्रेंड्स। इस तरह से आप, ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, तो इस चीज़ को आप एकदम अच्छे से, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएँ हैं? तो 22 हो गई। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत क्वेश्चन, ये छोटे क्वेश्चन नहीं, बहुत काम के हैं, ध्यान से फ्रेंड्स इसको याद करके रखिएगा, आपकी बहुत मदद होने वाली है। इस चीज़ का मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम कैटेगरी हैं? 29 राज्य और 60 न्यूनतम कैटेगरी है, ठीक है, टेरिटरी है, सॉरी फ्रेंड्स। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया।
भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी होंगे। इस फ्रेंड्स ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता गुफाएं। फ्रेंड्स ये बहुत सारी क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं, आपको बहुत काम आएंगी, इसको मार्किंग करके रखिएगा। 7 अजूबे में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ये सबको पढ़ाया गया है बचपन में ही। सह्याद्री और किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर होगा द वेस्टर्न घाट घाटस। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अमरावती। ठीक है, अमरावली पर्वत। फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बहुत दफ़ा। ठीक है, हम अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ट्विन सिटीजन कौन से दो शहरों को कहा जाता है? एक का नाम हैदराबाद और दूसरे का नाम सिकंदराबाद। ठीक है, ये दोनों जुड़वा शहर है, इनको ट्विन सिटीजन, ठीक है, ट्विन सिटीज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? आपको ऑब्वियस पता होगा, महात्मा गांधी जी होंगे। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी होंगे। इससे फ्रेंड्स बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, बहुत आपके दिमाग को कभी कभी बहुत बड़ा जख्म दे जाते हैं याद नहीं रहने के कारण। फायर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के रचयिता कौन है? तो होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब होंगे। भारत गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी का होगा। आंध्र प्रदेश लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी इसका नाम होगा। भारत के गृह मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो होंगे अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो होंगे निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको कोशिश करूँगा ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँ ताकि आपकी बहुत हेल्प कर सकूँ मैं और आपके अच्छे से अच्छे मार्क ला सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जिससे आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।